हाँ तो गाइस, अगर आप भी इस तरह के एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस, इस तरह से एडिटिंग करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है एलिट्रम से ऐप और दो प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड करना है। उसके बाद उस फाइल को जो है आपको एलर्ट में से ऐप के अंदर इंपोर्ट करना है। तो अगर आपको नहीं पता कैसे इंपोर्ट करना है तो आपको वहाँ पे एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा हाउ टू इंपोर्ट करके, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो एलर्ट में से एप्लीकेशन को पेन करना है, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट सेक्शन पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपने जो इंपोर्ट किया था फाइल उसको आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसे यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जो है जाना है स्क्रॉल करके। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप एंड मास्क करके एक जो है लेयर दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जाना है एडिट ग्रुप पे और उसके बाद राइट या फिर लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा स्वाइप करना है। उसके बाद आपके सामने और तीन लेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे फोटो ऐड करना है, तो फोटो ऐड करने के लिए सिंपली प्लस बटन पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करके आपको जो है ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे और एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे जो आप फोटो ऐड करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, वो फोटो जो है आपका 4:3 में क्रॉप होना चाहिए। तो आप किसी भी फोटो एडिटिंग ऐप से जो क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोटो जैसे ऐड हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है, फिर यहाँ पे इन दो लेयर के नीचे आपको इसे ले आना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको फोटो जो है थोड़ा सा क्रॉप हो चुका है तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो अपने फिंगर से स्वाइप करके इसे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फोटो वाला लेयर है इसे क्लिक करके आपको ऊपर जो डिलीट बटन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट से यहाँ पे से जो है आपको बैक चले आना है और बैक आने के बाद यहाँ पे फिर से आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे एक बैकग्राउंड फोटो करके एक लेयर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है कलर एंड फिल यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे सिलेक्ट मीडिया पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे उसको आपको सेम फोटो को जहाँ पे सिलेक्ट करके प्लस बटन पे टैप कर देना है और ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको गाइस मैंने जो दूसरा जो दिया था फाइल डाउनलोड करने के लिए, उस फाइल को यहाँ पे ऐड करना है वीडियो को। तो इसके लिए यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे शायद आपको डाउनलोड फोल्डर के अंदर ही होगा, तो यहाँ पे आपको उस वीडियो को जो यहाँ पे क्लिक करके जो ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे उस वीडियो लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है और फिर यहाँ पे फिल कॉम्पोजिशन एरिया यहाँ पे क्लिक कर देना है जिससे फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो लाइटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इसको स्क्रीन पे टैप कर देना है और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है इसके एकदम लास्ट में जाना है और लास्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको इसको जो है कट करना है, जितने दूर तक आपका जो वीडियो है वहां तक आपको इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके एक कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप एंड मास्क यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है और आपको इन दोनों को जो है ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड फोटो वाला लेयर है यहाँ पे भी क्लिक करके आपको इफेक्ट पे जाना है और इन दोनों को जो है आपको ऑन कर देना है। बस आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट बन चुका है। उसके बाद यहाँ चाहे तो आप एक बार प्ले करके देख सकते हैं और उसके बाद आपको जो इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके जो है आपको एक्सपोर्ट कर लेना है।